अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की किस्त नंबर 23 की मुकम्मल कहानी और किस्त नंबर 24 के बारे में भी। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि सहर जामिन के साथ जाती है रबिया ताई के घर हरीम की ताजियत करने के लिए, लेकिन रबिया बेगम जैसे ही सहर को अपने घर में देखती हैं तो गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं और पीछे से जामिन भी आ जाता है। रबिया बेगम सहर से कहती हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। इस पर जामिन रबिया बेगम से कहता है कि हम हरीम को देखने आए हैं। इसके बाद जामिन सहर को लेकर हरीम के कमरे में जाता है। हरीम जामिन को सहर के साथ देखकर आग बगोला हो जाती है और फिर सहर हरीम के पास जाकर उसको फूल देती है और उससे कहती है हरीम कैसी हो। इस पर हरीम उससे कहती है कि तुम्हें क्या फिक्र मैं जीऊं या मरूं, मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस पर सहर हरीम से कहती है हरीम कुदरत और हालात ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और इस दौरान सहर हरीम से माफ़ी भी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुम्हें मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। ये सब देख कर जामिन हैरान होकर सहर को देखता है। जब सहर और जामिन वहाँ से चले जाते हैं तो हरीम वो फूल उठाकर उनको बेड पर जोर जोर से मारती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि जामिन तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सहर और जामिन इफ्तखार साहब के कमरे में भी जाते हैं। जामिन इफ्तखार साहब से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हफ्ते के 3 दिन अपने घर सहर के साथ रहूंगा और बाकी के 3 दिन आपके घर हरीम के साथ। ये बात इफ्तखार साहब को बहुत पसंद आती है और वो काफी खुश हो जाते हैं। सहर जाते वक्त इफ्तखार ताया से कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं इस घर में, इस शहर में और जामिन की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। इस पर इफ्तखार साहब सहर से कहते हैं कि सहर बेटा, मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि अपनी बेटी का घर बसाने की खातिर किसी और की बेटी का घर उजाड़ दूँ। इसके बाद जामिन और हरीम अपने घर वापस आ जाते हैं। सहर जामिन से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बगैर किसी फ्रेब और धोखे के गुजारना चाहती हूँ और मैं एक नई जिंदगी आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। और इस तरह अगली किस्त में आप देखेंगे कि सहर और जामिन एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। जामिन किचन का सामान लेकर आता है, सहर भी उसके पीछे पीछे आती है और फिर जामिन सहर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम हरीम की तजियत करने गई और उससे माफ़ी मांगी, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पर सहर जामिन से कहती है कि हमारा रिश्ता ऐसा है जिसमें कुछ कहने या कुछ जताने की गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ इफ्तखार साहब ये बात हरीम को बताते हैं कि जामिन 3 दिन हमारे घर में रहेगा और 3 दिन अपने घर में सहर के साथ रहेगा। अपने वालिद की इस बात को सुनकर हरीम बहुत दुखी हो जाती है। जब ये बात रबिया बेगम को पता चलती है तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाती हैं और इफ्तखार साहब से चिल्लाते हुए कहती हैं, सहर सौतन है आपकी बेटी की, उसने छीन ली है आपकी बेटी की खुशियाँ और बर्बाद कर दी है आपकी बेटी की जिंदगी। आप अभी सहर को तलाक दिलवाइए और उसे निकाल बाहर फेंके जामिन की जिंदगी से। इफ्तखार साहब जवाब में रबिया बेगम से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी हरीम के साथ अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए किसी और की बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आज अगर मैंने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी दूसरी की बेटी का घर बर्बाद किया तो बरोज़े क़यामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा। दूसरी तरफ हरीम बहुत दुखी होती है और वो अपनी वालदा से कहती है कि वो आई और मेरी सारी मेहनत और किए किराए पर पानी फेर कर चली गई। इस पर रबिया बेगम हरीम से कहती हैं कि इस मर्तबा मैं तुम्हारी और अपनी शिकस्त नहीं होने दूंगी। अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जामिन हरीम से मिलने आता है और उससे कहता है कि मैं 3 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और 3 दिन सहर के साथ। इस पर हरीम गुस्से में जामिन से कहती है कि ये फैसला तुमने खुद तो नहीं किया होगा, जरूर उस घटिया औरत ने करवाया होगा तुमसे ये फैसला। हरीम की इस बात को सुनकर जामिन गुस्से में हरीम से कहता है, मैं शोहर हूँ तुम दोनों का और तुम दोनों को वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों के साथ रहूँ। इसके जवाब में हरीम उससे कहती है, उसने छीना है तुम्हें मुझसे, डाइन है वो, उसने हक खाया है मेरा। इस दौरान सहर भी वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद जामिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हरीम अपने इस रवैये से जामिन को खो देगी और आखिर वो खुदकुशी कर लेगी। हरीम के खुदकुशी करने के बाद रबिया बेगम को भी उसके किए की सजा मिलने वाली है, वो पैरालाइज हो जाएंगी और जामिन और सहर हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।